वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ऑटोमैक्स सर्जन में आपका स्वागत है। यहाँ पे आज हमारे सामने खड़ी है टाटा की नेक्सॉन और ये काजीरंगा एडिशन है। इसका कलर आपको ग्रासलैंड बेच आता है, देख सकते हैं सामने। काफ़ी बढ़िया लग रही है, जो नया एडिशन है टाटा की तरफ से। और आपको इसमें तीन गाड़ियाँ मिलती हैं इस एडिशन में, जो आपकी टाटा पंच हो जाती है, हैरियर हो जाती है और आपकी ये टाटा नेक्सॉन। और तीनों ही गाड़ी में आपको हैरियर और इसमें नेक्सॉन में ऑटोमेटिक आता है और पंच में आपको मैनुअल में आ जाता है। तो ऐसा कुछ इसमें आपको मिल जाता है। इसमें आपको दोनों ही इंजन देखने को मिल जाते हैं, पेट्रोल 1.2 और 1.5 डीजल। तो ऐसा कुछ इसका होने वाला है। चाबी से स्टार्ट करेंगे तो चाबी आपको कुछ ऐसी देखने को मिलती है, टिपिकल नेक्सॉन चाबी ही है ये, कुछ इसमें डिफरेंस नहीं है। लॉक अनलॉक बूट और फॉलो मी हेडलैम्प्स, ऐसा कुछ इसमें देखने को मिल जाता है। एक्सो रूम प्राइस अभी इसकी आई है, ऑन रोड प्राइस की नहीं आई है, तो मैं आपको बता देता हूँ 11,78,000 इसकी एक्सो रूम प्राइस है। तो आप आके नज़दीकी अगर टाटा शोरूम है तो वहाँ से आप ऑन रोड प्राइस ले सकते हैं, आपके नज़दीकी जिस स्टेट और जिस शहर से आप बिलोंग करते हैं वहाँ से। मैं रायपुर की प्राइसिंग आपको ऑन रोड में बता दूंगा, जैसे ही मेरे पास आएगी मैं यहाँ पे लिंक कर दूंगा स्क्रीन पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो सबसे बड़ा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो इसका हो जाता है वन हॉर्न राइनो का ये वाला बैज 3D स्टेकरिंग में। काफ़ी बढ़िया लग रहा है देखने में। और इंटीरियर भी इसका काफ़ी हद तक चेंज है, कुछ इसमें दो तीन अपडेट्स दिए गए हैं जो कि काफ़ी पसंद आ रहे हैं लोगों को। और ये स्पेशल एडिशन है तो इसमें देना बनता है। और इसके साथ ये जो इसमें अपडेट्स हैं वो आपको दूसरी नेक्सॉन में भी बाद में देखने को मिल जाएंगे, जो नॉर्मल जो मॉडल्स होते हैं उनमें भी देखने को आपको कई हद तक मिल जाएंगे। तो फ्रंट से बात करेंगे, आपको यहाँ पे ग्लॉस ब्रैक की पूरी यहाँ पे ग्रिल आ जाती है, जिसमें आपको टाटा का बढ़िया बड़ा सा लोगो देखने को मिल जाता है, ऐसा आप देख सकते हैं। और नीचे देखेंगे आपको नंबर प्लेट की प्लेसिंग यहाँ देखने को मिल जाती है, इसके साथ ये स्किड प्लेट यहाँ आ जाती है, प्लस यहाँ पे सिग्नेचर ग्रिल यहाँ देखने को आपको मिल जाती है। हेडलैम्प की बात करेंगे तो आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिल जाते हैं जो कि ऐसे दिए गए हैं, प्लस यहाँ पे DRL ये दी गई है और यहाँ पर इंडिकेटर फ्लैश होता है और यहाँ पर आपको बल्ब मिल जाता है मल्टी रिफ्रैक्टर्स के साथ में। फॉग लैम्प की बात करेंगे, वहाँ आपको बल्ब देखने को मिलता है, प्लस आपको जो साइड में एलिमेंट्स दिए गए हैं वो आपको ग्लॉस ब्लैक प्लस मैट ब्लैक में देखने को मिल जाता है। तो ऐसा कुछ फ्रंट से इसका दिया गया। नीचे ग्राउंड क्लियरेंस की बात करेंगे तो आपको 209 mm की ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाती है, प्लस यहाँ पर ओवरऑल ऐसा कुछ देखने को मिल जाता है। फ्रंट से काफ़ी बल्कियर दिखती है गाड़ी इसमें, इसका एक्सटीरियर से कुछ चेंज नहीं किया है इसमें, जो चीज़ें हैं हल्की सी इंटीरियर में चेंज किया और एक्सटीरियर से इसमें जो राइनोसॉरस का स्टिकरिंग किया गया है प्लस ये कलर जो नया इंट्रोड्यूस किया गया ये बस है, एक्सटीरियर में बाकी और कोई चेंजेस नहीं है। नेक्सॉन की यहाँ आपको बैजिंग देखने को मिल जाती है। टायर प्रोफाइल की बात करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर 215/16 का यहाँ पर आपको टायर देखने को मिल जाएगा। अलॉय आप देखेंगे तो आपको डुअल टोन में अलॉय देखने को मिल जाते हैं, ये हल्का सा डार्क सिल्वर है प्लस यहाँ पे ब्लैक ग्लॉस ब्लैक, ऐसा कुछ आपको डुअल टोन देखने को मिल जाएगा। और जैसे अगर बात करेंगे इसकी ब्रेक्स की तो आपको फ्रंट में डिस्क, पीछे आपको ड्रम ब्रेक्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे कुछ चारों टायर्स में आपको डिस्क देखने को नहीं मिलते हैं, तो ऐसे कुछ दिया गया। नीचे में देखेंगे मैट ब्लैक की पूरी पट्टी दी गई है, जो दोनों गेट है ऐसे कुछ कनेक्टेड हो जाती है। डोर हैंडल की बात करेंगे तो आपको रिक्वेस्टिंग सेंसर प्लस आपको ये बॉडी कलर में देखने को मिल जाता है, रिक्वेस्टिंग सेंसर आपको ड्राइवर प्लस को पैसेंजर डोर्स पे आ जाता है। OMM की बात करेंगे आपको मैट ब्लैक प्लस ग्लॉस ब्लैक में देखने को मिल जाता है, प्लस यहाँ पे इंडिकेटर बेल्ट दिया गया। तो ऐसा कुछ है इसका पूरा पूरा साइड से ऐसा लुक देखने को मिल जाता है। और टायर प्रोफाइल के ऊपर भी ये जो है हल्का सा बैच ये भी आपको मैट ब्लैक में देखने को मिल जाएगा, ऐसे पट्टी लगी हुई है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और इससे ये आपको जो गाड़ी है पूरी आपको डुअल टोन में देखने को मिलेगी, तो एक यूनिक कलर इसमें एक न्यू यूनिक कॉम्बिनेशन देखने इसमें मिल जाता है देखने को। ऊपर आपको सनरूफ देखने को मिल जाएगा, पीछे आपको साफ एंटीना देखने को मिल जाता है, प्लस आपको ये रूफ रेल्स थोड़ी यूनिक देखने को मिलेगी जो कि नॉन वर्किंग है, ये वर्किंग नहीं है और काफ़ी अच्छी लग रही है। जैसे टिपिकल नेक्सॉन में आती है वैसी नहीं है, इसमें कुछ नई चीज़ें हल्की हल्की सी इसमें इंट्रोड्यूस की गई है, तो ऐसा कुछ दिख रहा है। पीछे से बात करेंगे तो पीछे भी वही लुक है, लाइट्स वगैरह के देखेंगे इंडिकेटर आपको बल्ब देखने को मिल जाता है, बैक लाइट बल्ब मिल जाती है, प्लस आपको जो ब्रेक लाइट है ये आपको LED देखने को मिल जाती है, ऐसा दिया गया। बाकी वाला जो बैच है आपको ग्लॉस ब्लैक में देखने को मिलता है। यहाँ पे टाटा का आपको बैजिंग देखने को मिल जाती है, ऊपर में आपको वाइपर्स प्लस यहाँ डिफॉगर वोकल फॉर लोकल की बैजिंग देखने को मिल जाती है, स्टिकर दिया गया है। यहाँ पे ब्रेक लाइट देखने को मिल जाती है जो कि स्पॉइलर पे है, ऊपर साफ फिर एंटीना
प्लस यहाँ पे आपको ये देख सकते हैं यहाँ शेर वाला ये मैटर देखने को मिलता है, जो कि हर गाड़ी में दे रहा है। जो नई नई आई हैं जैसे नेक्सॉन, एल्ट्रोज और हैरियर में ये चीज़ इंट्रोड्यूस किया गया टाटा की तरफ से। तो ओवरऑल काफ़ी बढ़िया डार्क एडिशन टाइप का ही कुछ लगता है, जिसमें आपको ये कलर ग्रासलीन बेज इंट्रोड्यूस किया गया है। यहाँ पे आपको नेक्सॉन की बैजिंग मिल जाती है जो कि ब्लैक में दी गई, ये बहुत ही नई चीज़ है। आपको बैजिंग जो है जी काजीरंगा एडिशन में आपको ब्लैक भी देखने को मिलती है, जितनी भी एडिशन इसमें लॉन्च की गई है तीन गाड़ियों में ऐसा कुछ मिलता है। रिक्वेस्टिंग सेंसर भी आपको देखने को मिल जाता है, प्लस यहाँ बूट खोलने का बटन दिया गया है। नीचे आपको रिवर पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाते हैं, जो कि दो दिए गए हैं, एटलीस्ट तीन चार होने चाहिए थे, बट यहाँ पर सिर्फ दो ही मुझे दिख रहे हैं। रिफ्लेक्टर आपको यहाँ देखने को मिल जाता है, प्लस वो जो उसके आसपास की जगह है वो आपको ग्लॉस ब्लैक प्लस मैट ब्लैक की दी गई है। नीचे स्किड प्लेट आपको ब्लैक में दी जाती है, नंबर प्लेट की बेसिंग वहाँ मिल जाती है, और नीचे एग्जॉस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर लगा गया है। दोस्तों बूट स्पेस की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे इसको पहले मैं ओपन करूँगा, ये ओपन हो जाता है बटन से देख सकते हैं आप, और 350 लीटर्स का मैसिव बूट स्पेस आपको देखने को मिल जाता है इसमें, तो ऐसा कुछ दिया गया है ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको लाइटिंग मिल जाती है, प्लस 3 kg लोड आउट के लिए हुक्स मिल जाते हैं आपको, काफ़ी बढ़िया दिया गया है इसमें, और 60-40 स्प्लिट्स का आपको यहाँ सीट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और बाकी किट्स वगैरह यहाँ पर रखी गई हैं। इसके साथ ही अपन स्पेयर टायर पर नज़र डालेंगे, तो स्पेयर टायर यहाँ पे दिया गया है, जो अभी जो कि आपको 16 इंचेस में मिल जाता है, प्लस आपको ब्लैक स्टील रिम ही देखने को मिलती है, और आपको पीछे पार्सल ट्रे भी कंपनी से मिल जाती है। तो ऐसा कुछ यहाँ पे दिया गया, ऊपर इंसुलेशन लगा गया है, यहाँ पे ये पकड़ने का हैंडल है, इसे आप इसको देख के बंद कर सकते हैं, ऐसा कुछ बूट दिया गया है। दोस्तों इंटीरियर के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पर पहले अपन गेट पर देख लेते हैं क्या क्या अपन को चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो गेट आपको सिंगल टोन देखने को मिलता है, डुअल टोन देखने को नहीं मिलेगा आपको, बाकी हैरियर में डुअल टोन देखने को मिल रहा था, इसमें सिंगल ही टोन है। यहाँ पे देखेंगे पकड़ने वाला आपको ग्लॉस ब्लैक में देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको मिरर्स कंट्रोल्स मिल जाते हैं, साइड यहाँ पे हैंडल मिल जाता है आपको खोलने का डोर का, और इसमें ब्लैक देखने को मिलता है, यहाँ ट्विटर देखने को मिल जाते हैं, स्पीकर्स है इसमें 8 स्पीकर्स प्लस 4 ट्विटर्स इसमें मिल जाते हैं आपको, हर डोर पे एक एक ट्विटर है। यहाँ पे वार्मिंग कंट्रोल्स आपको देखने को मिल जाते हैं, यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ डोर दिया गया है। यहाँ पे आप बॉटल तो रख सकते हो, खैर अम्ब्रेला होल्डर भी इसमें दिया गया है, यहाँ पे आप अम्ब्रेला डाल सकते हो छोटा वाला, प्लस बॉटल यहाँ रख सकते हो, ऐसा कुछ दिया गया है। और यहाँ पे आपको सबसे बढ़िया चीज़ है, वेंटिलेटेड सीट्स देखने को मिल जाती हैं ये काजीरंगा एडिशन में, जो कि मुझे काफ़ी सही लगा है। तो इसके साथ ही आपको जो सीट मिलती है आपको हाइट एडजस्टेबल प्लस टिल्ट आपको देखने को मिल जाती है, और ये बटन है आपका जो वेंटिलेटेड सीट्स का, इसमें दिया गया काफ़ी बढ़िया, मतलब जो दूसरी गाड़ी होती है ना वहाँ पे दिया जाता है उनके कंट्रोल से, आप वहाँ उधर कहीं देते हैं, बट इसमें यही दिया गया। तो ये एक चीज़ अच्छी है कि यार आप मतलब टाटा से सीट लेके भी आप दूसरी नेक्सॉन में लगवा सकते हो, तो ऐसा कुछ मुझे मतलब ऑप्शन देना चाहिए टाटा को, मेरे ख्याल से पॉसिबल है कि आप यही सीट को लेकर आप दूसरी कार में लगवा सकते हो, क्योंकि ये सीट में ऑप्शन दिया गया, ये कहीं और अलग बटन नहीं दिया गया, तो सीट का बटन तो वर्क करेगा ठीक है। चलो यहाँ पे आपको इवेंट्स मिल जाते हैं देखने को, लाइट्स के कंट्रोल्स, वाइपर के कंट्रोल्स इधर दिए गए, क्रूज़ कंट्रोल्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे टाटा का बैच हॉर्न, यहाँ पर डी कार्ड आपको स्टाइलिंग देखने को मिल जाता है, प्लस इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। ये वाला पोर्शन पूरा आपको ग्लॉस में देखने को मिलता है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। इसके साथ ही हॉर्न एक बार अपन सुन लेते हैं, तो हॉर्न ऐसा कुछ दिया गया, और यहाँ से पुश कर सकते हैं, यहाँ से बजा सकते हैं, ये अच्छी चीज़ है। बाकी ऐसा सुजुकी की गाड़ियों में बीच में दिया जाता है, यहाँ पे साइड पे दिया है बजाने के लिए, तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है ये चीज़, तो मुझे सही लग रहा है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे आपको एमआईडी देखने को मिल जाती है, ऊपर डैशबोर्ड की क्वालिटी काफ़ी सही है। इसके साथ ही देखेंगे आपको यहाँ तीन मोड्स मिल जाते हैं, स्पोर्ट, इको और सिटी, यहाँ तीन मोड्स है, तो यहाँ से एडजस्ट ऐसे कर सकते हैं आप। बाकी आपको मैनुअल 6-speed गियरबॉक्स देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। इसके साथ ही देखेंगे तो यहाँ पे आपको एमआईडी देखने को मिलती है, एमआईडी में अपन एक बार झांक लेते हैं, एमआईडी देख लेते हैं कैसी है। तो भाई एमआईडी आपको ऐसी देखने को मिलती है, फुल्ली डिजिटल एनालॉग वाला सिस्टम भाई, कुछ भी नहीं है इसमें। वार्निंग लाइट्स यहाँ दी गई है, फ्यूल का इंडिकेशन यहाँ देते हैं, प्लस आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम इसमें देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। स्पीड का यहाँ मिलता है आपको, बाकी टाइम वगैरह दिखता है आपको, और ऐसा कुछ दिया गया है, आरपीएम गेज यहाँ दिया है, प्लस टेम्परेचर का यहाँ दिया, सीट बेल्ट रिमाइंडर भी आपको देखने को मिल जाता है इसमें, और बाकी सेट कर सकते हैं, ये बटन्स वगैरह दिए गए हैं, तो ऐसा कुछ है यहाँ पे सिस्टम। और इंफोटेनमेंट सिस्टम देख लेते हैं अपन, वही दिया गया 5.5 inches का हरमन का, और काफ़ी अच्छा एक साउंड ये आपको देता है। इसके बाद आपको यहाँ पे एयर प्योरीफायर भी इसमें दिया गया है, जो कि ये दिया गया है, एयर प्योरीफायर इसमें लगा हुआ है गाड़ी में, काफ़ी बढ़िया है। इसमें अपडेट जो एक नया है एयर प्योरीफायर के साथ ही आती है, नेक्सॉन की बैजिंग देखने को मिल जाती है, प्लस यहाँ पे डैशबोर्ड के ये जो वुडन फिनिशिंग में दी गई है, जो कि आपको हैरियर में भी देखने को मिल जाती है,
ऐसा, और काफ़ी बढ़िया लग रहा है। यहाँ देखेंगे आपको हज़ार्ड कंट्रोल्स मिल जाते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको एसी वेंट्स मिल जाते हैं, उसके बाद यहाँ नीचे देखेंगे तो एसी के कंट्रोल्स हैं आपको देखने को मिल जाएंगे, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी देखने को मिल जाता है। 12 वोल्ट का चार्जर का सॉकेट यहाँ दिया गया, बाकी यूएसबी के लिए चार्जर यहाँ पे दिए गए हैं, तो ऐसा कुछ ये स्पेस दी गई छोटी सी। वायरलेस चार्जर इसमें नहीं आपको दिया गया, इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, तो ऐसा कुछ है। यहाँ पे हैंड ब्रेक मिल जाता है आपको, यहाँ पे जो मिलता है आपको थोड़ी सी स्पेस मिल जाती है चीज़ों को रखने के लिए, लाइक बढ़िया स्पेस दी गई है। और ये आपको आई थिंक चिलर देखने को यहाँ पे नहीं मिलता है, ये चिलर नहीं है, तो थोड़ा सा चिलर होना चाहिए था ताकि कुछ बॉटल्स वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ रख सके तो ठंडी हो सके। इसके साथ यहाँ पे आर्मरेस्ट मिलता है जो कि स्लाइडेबल नहीं होता है, तो टाटा में स्लाइडेबल नहीं देता है, बस ये फिक्स है। और ऐसा देखेंगे तो ये काफ़ी बड़ी स्पेस हो जाती है, देख सकते हैं काफ़ी बड़ी स्पेस हो चुकी है। ऐसे बंद कर दूंगा मैं तो इतनी सी स्पेस बचती है जिसमें आपका ये आर्मरेस्ट लगा हुआ है। तो ऐसा कुछ दिया गया। IRVM आपको ऑटोमेटिक मिल जाता है, सनवाइजर आपको टिकट होल्डर देखने को मिलता है, यहाँ पे साइड में आपको या वैनिटी मिरर देखने को मिल जाता है। बात करेंगे इसमें सनरूफ की, तो आपको बढ़िया सा सनरूफ मिलता है एक छोटा सा, लेकिन आप इसमें आराम से निकल सकते हैं बाहर। तो इसको एक बार खोल के देख लेते हैं भाई, तो ये कैसे खुलेगा ऐसे, आई थिंक इसको दबा के रखेंगे तो ये देखेंगे। ये देखिए आपका सनरूफ ओपन हो गया ऐसे करके, और यहाँ से करेंगे तो बंद हो जाएगा। देखिए काफ़ी बढ़िया लग रहा है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, क्वालिटी ऐसे। ये मूनरूफ हो जाता है, तीन बटन्स दिए गए, सनरूफ मूनरूफ इसके दिए गए बटन्स पूरे पूरे। तो ऐसा इसको मैनुअली बस आगे करना पड़ता है, पीछे तो उसके साथ चला आता है बट इसको ऐसे मैनुअली करना पड़ता है, ठीक है। आपको डोर हैंडल्स मिल जाते हैं तीनों साइड पर, देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया ग्रैब हैंडल दिए गए, और ऐसा कुछ फ्रंट की सीट्स और फ्रंट का पूरा व्यू ऐसा दिया गया। पीछे भी अपन चल के देख लें तो पीछे भी कैसा इसमें पूरा का पूरा लुक है। पीछे का डोर आपको ऐसा देखने को मिलता है, डुअल टोनी सिंगल टोनी देखने को मिल जाता है, सीट्स आपको ऐसी देखने को मिल जाती है, प्लस बीच में आपको आर्मरेस्ट भी देखने को मिलता है। और देखेंगे तो अपन को यहाँ पे एसी वेंट्स देखने को मिल जाते हैं बीच में, देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया क्वालिटी इनकी दी गई है, फिट एंड फिनिशिंग काफ़ी बढ़िया है इसकी। तो ये जो एडिशन है इसमें काफ़ी अच्छा, मतलब बैठ के काफ़ी एक रिच फीलिंग आपको आने वाली है, तो ऐसा कुछ देखने को मिलता है। पीछे आपको यहाँ पे जो हेडरेस्ट हैं आपको दो ही देखने को मिलते हैं, तीन देखने को ही मिलते हैं, और वो भी एडजस्टेबल हैं। तो ऐसा कुछ ओवरऑल इसका पूरा का पूरा रिव्यू वीडियो काजीरंगा एडिशन। तो आपको कैसा लगा भाई प्लीज़ बताइएगा, अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट भी करिएगा, बताइए आपको किस और गाड़ी के बारे में जानना है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई गाड़ी के साथ, बाय, टेक केयर, जय हिंद।